मैं 28 साल से MIM पार्टी में हूँ। आज मैं MIM का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं आज MIM का काम नहीं कर रहा हूँ। मैं उसी चोर से मिलता हूँ तो अकबर इसी से जाके मिलता हूँ, अकबर साहब से, वो भी चोरी छुपे जाके मिलता हूँ उनके घर पे। आज मेरे को सुकून से जीना नहीं दे रही। मैं ऐसा साहब से पूछना चाह रहा हूँ, क्या कोई अगर MIM जमात में अगर कोई आदमी आ जाता है तो क्या वो MIM छोड़ के नहीं जा सकता, बी बच्चों को नहीं देख सकता क्या? शाम के वक्त एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मेरे शौहर का, वो पुराना वीडियो है जिसमें उन्होंने मुमताज़ अहमद खान, चामिनार MLA मुमताज़ अहमद खान और याकूबपुरा इंचार्ज यासिर अरफात के बारे में कुछ बातें कही थी, अब्यूजिंग वर्ड्स इस्तेमाल किए थे उन्होंने। जो पुराना वीडियो है, 2 साल कुछ पुराना वीडियो है, वो वीडियो को किसी ने आज फ्रेश करके उसे फिर से अपलोड कर दिया, जो जैसे ग्रुपों में वो वायरल हो रहा था। बस वो वीडियो के वायरल होते हुए पता नहीं, जैसा कि मुमताज़ अहमद खान MLA के लोग, यासिर अरफात के लोग हैं जिन्होंने रात से रात हमारे घर पर आकर हमला कर दिया। अगर आप देख भी चुके हैं तो पहले, सबसे पहले काम क्या होता है, जिसका वीडियो वायरल हो उसे आप फ़ोन करें, उसे कांटेक्ट में आए, उससे बात करें, घर पे आके इज्जत से बात करें, या तो हमको बुलाएं या फिर आप PS में जाके कंप्लेंट करें कि ये वीडियो चल रहा है, देखो भाई इसको बुला के बात करो बोलना। ये तो नहीं करें ना, डायरेक्ट आके लेडीज रहती घर में कैसा हमला कर देते हैं, अरमानों से आरजू से अपना अपना घर बनाते हैं, तो आज उसको एक लम्हे में आप आके उसको तोड़ के चिंजा कर देते हैं हमारा घर। आज हमारे दिल पे क्या गुजर रही होगी, मेरे दिल पे क्या बीत रही है, आज मेरा घर किस तरीके से चिंजा करके रख दिया लोग, पूरा तोड़ फोड़ कर डाले पूरा घर मेरा। मैं असद साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अकबर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सख्त से सख्त आप एक्शन लेना, ना तो ऐसा ना हो कि MIM के पूरे लीडर्स चले जाएं MIM को छोड़कर। मैं जिस तरीके से चला गया उस तरीके से शायद और कोई नहीं जाना। आप असद साहब, अकबर साहब से रिक्वेस्ट है, तहदील से, मेरी बच्ची को उंगी हो गई, मेरी बच्ची को बात करने नहीं आ रहा छोटी, आप मीडिया वाले चल के देखो। मैं असद साहब, अकबर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि MIM खाली हो जाए, कोई काम करने वाला नहीं रहेगा। आप मुमताज़ अहमद खान पे सख्त से सख्त कार्रवाई करिए असद साहब, आपको अल्लाह अल्लाह का रसूल का वास्ता है। मैं सैयदा नाहिदा खादरी हूँ और साथ में मेरे शोहर SM नेमुद्दीन खादरी हैं और मैं NRC 24 न्यूज़ की एडिटर इन चीफ हूँ, वैसे तो आप लोग जानते हैं। और आप लोग तक मैं मीडिया के ज़रिए ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि आज मेरे घर पर हमला हुआ है, जानलेवा हमला हो। आप लोग मेरे घर की सिचुएशन देखेंगे तो आप लोग कहेंगे पूरा मेरा घर चिंदिया कर दिए, पूरा तोड़ के, पूरा इतनी बुरी तरीके से मेरे घर पे हमला किया गया, लटों से रात के 3 बजे के वक्त, रात के 3 और 3:15 के बीच में ये मामला हुआ जिसमें पूरे के कई सारे लोग मेरे घर पर आए थे बाहर हमारे पास, और पूरे के पूरे मंकी मास्क जो आता है वो पहने हुए थे, बाजू ने कर्चिप लगाए हुए थे, मैंने के दस्तियाँ लगाए हुए थे चेहरों पे अपने, और इतने सारे हमारे घर पे पूरे ग्लासेस फोड़ के पूरी बिल्डिंग मेरी चिंदियाँ कर दिए, पूरे मेरे जो नीचे कार चली हुई थी हमारे कारों को चिंदियाँ कर दिए, पूरे ग्लासेस फोड़ दिए। घर का हाल आप लोग देखेंगे तो पूरा घर हमारा पूरा चिंदियाँ है, मेरा घर पूरा फोड़ के बोलते ना एक तबाही हमारे घर पे मचा दिए, और अचानक से ये हमला हुआ जबकि हम लोग घर में हुशार है, मेरे हस्बैंड बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, हॉल में बैठ कर मैं कॉफ़ी पीते हुए, मेरे हॉल में ठहरी हुई थी जस्ट, मैं अगर मैं वहाँ से नहीं हटती तो यकीन माने सीधा वो जो फर्स्ट अटैक जो था, पहला जो वार था उन लोगों का, सीधा मेरे सर पर आकर पड़ता था वो। और यकीन मानिए मेरे इस वक्त देखिए मेरे शौहर के हाथ पे भी बहुत बुरी तरीके से, जब उन बाहर निकले सडन उनके हाथ पे भी मार पड़ा, बंडा के उनके हाथ पे लगा सीधा। तो बोलने का मतलब यह है कि इस वक्त मैं पहाड़ी शरीफ PSI भी हूँ और मैं कंप्लेंट दे चुकी हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तेलंगाना पुलिस से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द जो उन लोगों ने मेरे घर पर हमला करवाया उन्हें आप जल्द से जल्द अरेस्ट करें और हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि मेरे घर पे मेरे बच्चे थे। जी देखिए ये वजह ये है, आज शाम के वक्त एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मेरे शौहर का, वो पुराना वीडियो है जिसमें उन्होंने मुमताज़ अहमद खान, चामिनार MLA मुमताज़ अहमद खान और याकूबपुरा इंचार्ज यासिर अरफात के बारे में कुछ बातें कही थी, अब्यूजिंग वर्ड्स इस्तेमाल किए थे उन्होंने। जो पुराना वीडियो है, 2 साल कुछ पुराना वीडियो है, वो वीडियो को किसी ने आज फ्रेश करके उसे फिर से अपलोड कर दिया, जो जैसे ग्रुपों में वो वायरल हो रहा था। बस वो वीडियो के वायरल होते हुए पता नहीं, जैसा कि मुमताज़ अहमद खान MLA के लोग, यासिर अरफात के लोग हैं जिन्होंने रात से रात हमारे घर पर आकर हमला कर दिया। वो ना मैं आपको यकीन मानिए 20 से 25 से बढ़ के लोग थे और इतने बुरी तरीके से हमारे घर पे हमला किया, अगर हमारी जाने चली जाती, मेरे बच्चियों को कुछ हो जाता, आप यकीन मानिए इस वक्त मेरे घर में मेरी बच्ची की हालत आप लोग देखिए, मेरी बच्ची इतनी सीरियस है, मेरी बच्ची के मुंह से जबान से बात नहीं कर रही, मेरी बच्ची बात नहीं कर पा रही, इतनी हैबत में मेरी छोटी बेटी। अब आप चल के देखिए मेरे घर पे, मैं पूरे मीडिया वालों को मैं मिलाऊंगी मेरी बेटी से, आप लोग देखिए मेरी बच्ची बात नहीं कर पा रही, इतनी हैबत में है मेरी बच्ची। अगर हमारे साथ कुछ जानलेवा हमला हो जाता, हमारी जान चली जाती, तो इसका नुकसान कौन भरता, हमारे कौन जिम्मेदार होता हमारी जानों का? नहीं, पूरे मंकी मास्क पहने हुए थे और कर्चीफ लगाए हुए थे। जी हाँ, CCTV फुटेज भी है, वो भी हम पुलिस तक पहुँचा चुके हैं। और इससे पहले जब ये वीडियो जब वायरल फर्स्ट टाइम जब हुआ था, तब मुमताज़ अहमद खान से हम लोगों का कंप्रोमाइज हुआ था, उनसे बात हुई थी, मेरे शौहर भी उनसे बात कर चुके थे, ये
जो भी मैटर था वो जब ही सॉल्व हो चुका था। फिर से इसको वायरल करने की कुछ वजूहत मैडम? कुछ दुश्मनी से पुराने वीडियो को निकाल के फिर से वायरल कर रहे हैं। बस हमेशा करते हैं। लेकिन देखिए, जब मेरा एक बात यह है, अगर चलिए वीडियो वायरल हुआ, अगर आप देख भी चुके हैं, तो पहले सबसे पहले काम क्या होता है, जिसका वीडियो वायरल हो उसे आप फोन करें, उसे कांटेक्ट में आए, उससे बात करें, घर पे आके इज्जत से बात करें, या तो हम आपको बुलाएं, या फिर आप पीएस में जाके कंप्लेंट करें कि ये वीडियो चल रहा है, देखो भाई इसको बुला के बात करो बोलना। ये तो नहीं करें ना, डायरेक्ट आके लेडीज रहती घर में, कैसा हमला कर देते। नहीं, वीडियो वायरल होने के बाद कोई कॉल आया आपको, कोई पूछे आपको? नहीं, कोई ना पूछे, खाली व्हाट्सएप पे भेजाते गए, व्हाट्सएप पे लोग इनको वीडियोस भी जाते गए कि ये वायरल हो रहा है, वायरल हो रहा है बल्कि। लेकिन इनको कॉल्स आए, आप बोलिए बैन में क्या कॉल्स आए थे, बस करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं एसएम रहीमुद्दीन खादरी, नायदा खादरी का हस्बैंड हूँ मैं। मेरा जो एक वीडियो वायरल हो रहा, जो 2 साल पुराने के पड़ है, और जिसमें मैं मुमताज़ खान साहब को कुछ अलफल बोला और यासर अफा साहब को अलफल बोला, लेकिन 2 साल पहले मुमताज़ अहमद खान साहब से मैं पेट में मिल के माफ़ी चाह लिया था, उनके बेटे इम्तियाज़ से भी मैं माफ़ी चाह लिया था। मैं, आप यकीन मानिए, मैं एक एमएम में काम करता था, एमएम का छोटा सा मैं लीडर था, लेकिन आज मैं चंद्रान गुट्टा हैदराबाद छोड़ के मैं पाली शरीफ में एक सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, अपने बीवी बच्चों की मैं एक मुश्किलों से गुजार रहा हूँ। मेरे ऊपर ऐसे ऐसे हालात गुजरे, आप लोग देख सकते हैं। मेरे बीवी बच्चे मेरे से दूर हो गए थे, लेकिन मेरे बीवी बच्चे मेरे को मिल गए, अल्लाह का शुक्र है। 15 महीने से मेरी बीवी बच्चे मेरे साथ हैं। ये देखिए, मेरे घर पे हमला हुआ तो मैं मुमताज़ अहमद खान साहब को फ़ोन करा, मुमताज़ अहमद खान साहब का जवाब देखिए क्या है, मुमताज़ अहमद खान साहब का जवाब देखिए, उनका इंडिया का नंबर है। हेलो, मुमताज़ खान साहब, बहुत अच्छा करें मुमताज़ खान साहब, मैं रेमोजिन बात कर रहा हूँ। मेरे घर पे हमला करा के अच्छा करें, घर पे हमला करा दिया मुमताज़ खान साहब। मैं अमेरिका में हूँ भाई साहब। मुमताज़ खान साहब आप अच्छा कर दिए, मार देना था मुमताज़ खान साहब, आप मार देना साहब। आप देखिए, मेरी बच्ची रो रही है, छोटी बच्ची मेरी। एक MLA, एक जिम्मेदार MLA मुमताज़ अहमद खान साहब, चारवां MLA, मैं फ़ोन करा तो वो कह रहे हैं कि उन्हें अमेरिका में है, जबकि मैं इंडिया का नंबर मिलाया उनका, उनका फ़र्ज था। रहीम कैसा हमला हुआ, जबकि मैं 28 साल से MIM पार्टी में हूँ, आज मैं MIM का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मिलता हूँ तो अकबर से जाके मिलता हूँ, अकबर साहब से, वो भी चोरी छुपे जाके मिलता हूँ उनके घर पर। आज मेरे को सुकून से जीने नहीं दे रही। मैं ऐसा सबसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या कोई अगर MIM जमात में अगर कोई आदमी आ जाता है तो क्या वो MIM छोड़ के नहीं जा सकता, बी बच्चों को नहीं देख सकता क्या, अपने बी बच्चों को इंसान नहीं समझ सकता? और एक देखिए आप, मुमताज़ अहमद खान के खास पट्टे इनो अब्दुल्ला पहलवान हमला करने से पहले SK मजहर को फ़ोन करे, जो तालाब कट्टे में रहते अब्दुल्ला पहलवान, जो मुमताज़ अहमद खान के खास पट्टे, इम्तियाज़, डॉक्टर इम्तियाज़ के खास दोस्त है मुमताज़ अहमद खान के बेटे, उनके बेटे SK मजहर को फ़ोन करिए, करके क्या पूछे आप सुनिए। हेलो भाई, सलाम अलैकुम। हेलो हेलो, कहाँ है मैडम? अब भाई संतोष नगर पे था मैं, वहाँ क्या करो? उसके पास बैठा हूँ। अरे आ रहा हूँ परसों, अपने ज्ञान मामा के क्लब की ओपनिंग है मदर। अच्छी बात है, कहाँ पे? अपने क्या बोलते हैं, बंजारेस पे जी। तो नायदा मैडम लोगों को भी इनवाइट करना है, कहाँ मिलते हो ना नायदा मैडम? बोल दो, कल परसों कभी घर का आया हूँ, कहाँ वहाँ पहाड़ी में है ना जी, पहाड़ी में किधर? पहाड़ी में ये अपने चांदनार मस्जिद बोल के आए, पहाड़ी शरीफ में कमान में घुसना है अपन, एयरपोर्ट में आके कमान में, हाँ पहाड़ी शरीफ की कमान है देखो, दरगाह, हाँ घुसे वाला पे एक राइट जाता चांदनार मस्जिद है, वहाँ पे किस पे घुस ले वापिस बोल लेते, चांदनार मस्जिद के बाजू की, हाँ चांदनार मस्जिद के थोड़ा आगे रेक्शन में। ओके बात, चलो ठीक है। ये कॉल रात के 12-1 बजे के टाइम पे आया, रात के 12-1 बजे फोन करके एड्रेस लिया गया मेरे घर का, अब्दुल्ला पहलवान जो तालाब कट्टे के रहने वाला है, वो रात के 12-1 बजे फोन करके हमारा एड्रेस लिए। फोन आने के बाद हमला हुआ, उसके फोन के बाद हमला, फोन के बाद इसके मदर जो है, जो मेरा भांजा है जो तालाब कट्टे में रहता, उसको खबर मिली एकदम के कुछ लोग ऐसा हमला करने वाले, तो फौरन ने क्या करा, मेरे को फोन करा, मामा ऐसा अब्दुल्ला उल्लंघा आपके घर पे आने वाले न्यूज़ के जरूर, लेकिन मेरे को ये भी मालूम है मामा कुछ लड़ाई होने वाली है, तो मैं बोला ठीक है अब्दुल्ला से मैं बात करता हूँ, मुमताज़ अहमद खान साहब से बात करता हूँ, आप देखिए मैं मुमताज़ अहमद खान से बात, आपके भांजे हमले से पहले फोन करके आगा करें, हाँ हमले से पहले फोन करें कि अब्दुल्ला पहलवान आपका एड्रेस ले रही, और जैसा पीएस में मदर की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाया तो PS में मदर भी बुला लिए, SK मदर आप बोले तो SK मदर भी अब इस वक्त PS में है, उन्हें भी आप अपना बयान दे रही, तो आप देखिए कि
इस तरीके से अगर हमला कर देंगे तो कैसा होगा, जबकि आखिरी यानी कि मैं आखिरी एक साल से मेरा सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट नहीं है। 15 महीने मेरे 20 बच्चे अलग हो गए थे, 15 महीने हो गया मेरे 20 बच्चों से मिलके। मैं तमाम मीडिया वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के मैं तमाम मीडिया से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हैदराबाद की, तेलंगाना की, हिंदुस्तान की, कि मेरा नहीं किसी का भी पुराना वीडियो वायरल मत करिए। अगर वायरल कोई वीडियो आप करने आ गया तो आप फ़ोन करके पूछ लीजिए कि पुराना वीडियो है या नया वीडियो है। ऐसे कई वीडियोज़ है मेरे, मैं ऐसे कई वीडियोज़ है जब मैं जब दौरे करता था, मैं जब मेहनत करता था, जब मैं कैनवेसिंग करता था, जब मालूम है आपको छोटे मोटे किसको भी कुछ भी बोलते रहते तो उस वक्त के वीडियो है। लेकिन 15 महीने से सोशल मीडिया पे मेरी फ़ोटो भी नहीं है। मेरी आईडी है SM रहीमुद्दीन खादरी AIMM, उसके ऊपर मेरा पोस्ट देखिए, 15 महीने से मेरा पोस्ट भी नहीं है। वायरल करने कौन करे आपको किसी के ऊपर शक है? मेरे को किसी के ऊपर शक नहीं है। पता नहीं ये क्या दुश्मनी है, और जो ये दुश्मनी निकाल रहा मैं उससे भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं आज बीवी बच्चों को लेकर जी रहा हूँ, 5 टाइम नमाज पढ़ना है, लेकिन मैं 2 टाइम पढ़ लूँ या 1 टाइम पढ़ लूँ नमाज, लेकिन मैं अल्लाह अल्लाह कर लेते हुए मेरी बीवी बच्चों के साथ हूँ, खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस कर लेते हुए हूँ। मैं बस मेरी मीडिया वालों से, तमाम मीडिया वालों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो भी है पुराने वीडियोज़ को वायरल मत करिए। आप डायरेक्ट मेरे को फ़ोन करिए, नाहिदा खादरी मेरी वाइफ का आपके पास नंबर है, फ़ोन करिए, इस तरीके से बदनाम मत करिए। मेरी बच्ची की शादी है। आप लोग कंप्लेंट करें, आप लोग यहाँ कंप्लेंट कर लिए, एक्नॉलेजमेंट भी हो गया मेरे यहाँ पर, और मैं सर्कल साहब से डायरेक्ट कॉल करके बात कर चुकी हूँ मेरी, और मुझे पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह तेलंगाना पुलिस से हम आपको जरूर इंसाफ मिलेगा। और मैं एक ही रिक्वेस्ट है मेरी के मैं एक मीडिया पर्सन हूँ, मेरे घर पर हमला करना कोई छोटी बात नहीं है। देखिए हमारी जान पे खेल के हम लोगों की जान बचाते हैं, हमारी जान पे खेल के हम लोगों के वीडियोस वायरल करके बताते हैं कि किसके साथ क्या नाइंसाफी हुई, किसके साथ ना कौन किसका मर्डर करके गया है, ये हम आप तक अपनी न्यूज़ पहुंचाते हैं। लेकिन आज हमारे ही घर पर, मेरे ही घर पर किसी की इतनी हिम्मत होगी कि मेरे ही घर पर आके हमला कर दिए, वो भी जानलेवा हमला, खुदा ना खासा भंडार के अगर मेरे इतने बड़े बड़े पत्थर मेरे घर पर मारे गए हैं, अगर वो इसमें से एक पत्थर अगर मेरी बच्ची को लग जाता या मेरे सर पर लग जाता, यकीन मानिए मैं उसी वहीं ठहरी हुई थी मैं जहाँ से मैं हटी। जस्ट मेरे हटने के सिर्फ दो सेकंड में वहाँ पर पत्थर आया अंदर मेरे, अगर मैं वहाँ से नहीं हटती तो यकीन मानिए मेरे सर पर पत्थर पड़ता था तभी। जस्ट मैं कॉफ़ी का कप लेके मेरे ऐसे हटी में वहाँ पर पत्थर आ गया, तो सोचिए अगर हमारी जान चली जाती है किसी का भी वहाँ पर से नुकसान हो जाता, जान ही नुकसान होता, तो इसकी जिम्मेदार कौन होता? अरे बार बार मैं एक ही बात बोल रही हूँ, अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है, किसी के आपको तकलीफ होती है, तो आप घर पे आके पूछ सकते हैं, या आप आदमी को बुला के मालूम कर सकते हैं किसके लिए वीडियो वायरल कर रहे थे, ये क्या वीडियो है, क्यों डाले, बल्कि बातचीत होती। घरों में लेडीज रहती है, लोगों के बासम बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, तो घरों पे आके हमला कर देते हैं, क्या बाप की जागीर है किसी का घर? हाँ, किसी का घर अपने लिए महल, अपने लिए आशियाना होता है। हमारा महल है वो हमारे लिए आशियाना, हमारे एक बोलते ना कि हर किसी को अपना घर बहुत प्यारा होता है, बहुत ही अरमानों से आरजुओं से अपन अपना घर बनाते हैं, तो आज उसको एक लम्हे में आप आके उसको तोड़ के चिंजा कर देते हैं हमारा घर। आज हमारे दिल पे क्या गुजर रही होगी, मेरे दिल पे क्या बीत रही है, आज मेरा घर किस तरीके से चिंजा करके रख दिया लोग, पूरा तोड़ फोड़ कर डाले पूरा घर मेरा, समझे? तो बस मैं एक ही चीज़ चाहूँगी कि AIMM पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, अकबरुद्दीन साहब जो मुझे बहन कहते हैं अपनी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरा घर आकर देखें इस वक्त मेरे घर का क्या सिचुएशन है, और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस बात पर एक्शन लें, और तेलंगाना पुलिस से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द मेरे घर का जो हाल हुआ है आज मेरे हम पर जो जिस तरीके से जानलेवा हमला किया गया इस पर आप लोग जल्द से जल्द एक्शन लेंगे तो बेहतर रहेगा, और जो लोग मेरे घर पर हमला करवाए हैं वो लोग अरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, उन पर कानूनी कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो हमला करे ना, ये हमला करे 101% मुमताज़ अहमद खान साहब के बच्चे थे वो, MLA मुमताज़ अहमद खान साहब के और इम्तियाज़ भाई के बच्चे थे वो, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग मुमताज़ अहमद खान साहब की रिकॉर्डिंग डालिए, जब एक जिम्मेदार MLA है, उन्होंने चांदमार के MLA कि अगर कोई गरीब अगर एक आम आदमी अगर किसी की बंडी जल गई, अगर उन्हें फ़ोन करा मुमताज़ अहमद खान साहब मेरी बंडी जल गई, तो उससे ऐसी बात कर देगा? उससे ये पूछा जाता कि बंडी कैसे जली? मैं तो एक मुमताज़ खान के मैं 14 साल काम करा, तो मुमताज़ अहमद खान साहब को एकदम, मैं अमरीका में हूँ, ये नहीं पूछे मुमताज़ अहमद खान मियाँ तुम्हारी बीवी को क्या हुआ, तुम्हारे बच्चों को क्या हुआ? मैं मेरा बाप बोलता हूँ मुमताज़ खान को, मेरे सर पे हाथ रखते हैं उन्होंने, आज मेरे को ये सिला दिए मुमताज़ अहमद खान साहब। इम्तियाज भाई मेरे दोस्त होना, मेरे भाई होना, जब भी मिलते हम मेरी ID चेक करिए। आज एक जिम्मेदार MLA हम लोगों का, एक नाहिदा खादरी न्यूज़ की चेयरमैन, मैं MIM का एक छोटा सा लीडर, वो उनके घर पर हमला हुआ तो आम आदमी कैसा रहेगा, आम आदमी ज़िंदगी कैसा गुजारेगा? मैं असद साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अकबर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सख्त से सख्त आप एक्शन लेना, ना तो ऐसा ना हो कि MIM के पूरे लीडर्स चले जाएं, MIM को छोड़कर। मैं जिस तरीके से चला गया उस तरीके से शायद और कोई नहीं जाना,
आप असद साहब अकबर साहब से रिक्वेस्ट है, तहदील से, मेरी बच्ची गुंगी हो गई, मेरी बच्ची को बात करने नहीं आ रहा छोटी, आप मीडिया वाले चल के देखो, मैं असद साहब अकबर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि MIM खाली हो जाए, कोई काम करने वाला नहीं रहेगा। आप मुमताज़ अहमद खान पे सख्त से सख्त कार्रवाई करिए असद साहब, आपको अल्लाह अल्लाह का रसूल का वास्ता है, क्योंकि आवाम के पर जुल्म हो जा रहा, हमारे पर जुल्म हो रहा, तो असद साहब अकबर साहब आवाम कैसा जिएंगी। आप सख्त से सख्त एक्शन लीजिए मुमताज़ अहमद खान साहब पे और डॉक्टर इम्तियाज खान से, और ये अब्दुल्ला पहलवान अरेस्ट होना, मुमताज़ खान का आदमी अब्दुल्ला पहलवान अरेस्ट होना, उसकी भी कॉन्टिकेटिंग यहाँ पे सरकार साहब का मैं शुक्रिया करता हूँ, पहाड़ी शरीफ PS रचाकोंडा सरकार साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत अच्छे से उन्होंने करे, और आप पूरे तमाम मीडिया जितने मीडिया वाले हैं यहाँ पे जितनों के लोगों लगे हुए हैं, मैं तहे दिल से मीडिया का शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि आज मीडिया ही है जो हक का साथ दे रही, और जिसका बाजा बजाना बराबर मीडिया बजा रही बाजा, और बराबर हक का साथ दूंगा, मेरे को पूरी मीडिया पर भरोसा है, और मैं यहाँ से मीडिया को मैं मेरे घर पर लेके जा रहा हूँ। खुदा हाफिज़।